हेलो स्टूडेंट, महामाया क्लासेस में आपका स्वागत है। हम आप लोगों को फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार, यह एक पोएटिक डिवाइस है और पोएट्री में पोएटिक डिवाइस का बहुत महत्व होता है। इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच आपके सिलेबस के अलावा जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप शामिल होंगे, सब जगह आपको फिगर्स ऑफ स्पीच के प्रश्न उत्तर निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आज हम फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप हिंदी में पढ़ते आए हैं, अलंकार यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो अंग्रेजी में भी द एलिमेंट्स हु इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ पोएट्री मे बी कॉल्ड एज फिगर्स ऑफ स्पीच। और इंग्लिश में सात अलंकार के बारे में अक्सर पूछा जाता है, जिसमें पहला अलंकार है सिमिली, यस आई एम आई एल ई यानी उपमा। इसमें किसी चीज की उपमा दी जाती है, उपमा अलंकार आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे। उसके बाद दूसरा है मेटाफर, एम ई पी ए टी एच ओ आर यानी रूपक, यह भी हिंदी में आपको मिला होगा। इसके बाद तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, ई ई आर एस ओ एल आई एफ आई सी ए टी आई ओ एन यानी मानवीकरण। यह थोड़ा अलग होगा आपका, क्योंकि यह अलंकार आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। इसके बाद चौथा होगा एपोस्ट्रॉफी, संबोधन, यह भी आपका नया होगा, ए पी ओ एस टी आर ओ ई एच ई संबोधन। पांचवा होगा हाइपरबोल, एच वाई टी आर बी ओ एल ई यानी अतिशयोक्ति। इसमें किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, उसमें अतिशयोक्ति होती है। और यह अलंकार आपको हिंदी में भी पढ़ने को मिला होगा। इसके बाद छठा है ऑक्सीमोरन, ओ एक्स वाई एम ओ आर ओ एन ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। इसके बाद ऑनोमेटोपोइया यानी ध्वनि सूचक के जो अलंकार होते हैं, इसमें किसी भी साउंड से सजेस्ट होते हैं। यानी ओवरऑल सबका परिचय हो गया। अब हम बारी बारी से प्रत्येक अलंकार के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले सिमिली, हाँ देखिए कि जैसा मैंने सिमिली का यहाँ पर परिभाषा लिखा है, ये सिमिली इज कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। इसके परिभाषा में आप लोग देखेंगे यह लिखा गया है, इसमें किसी दो अलग अलग चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, जिसमें लीस्ट कम से कम वन पॉइंट इज कॉमन, कि एक पॉइंट उन दोनों में कॉमन होना चाहिए। और दोनों ऑब्जेक्ट आपके जो होंगे वो अलग अलग होंगे, लेकिन एक पॉइंट इसमें कॉमन होना चाहिए। और कंपैरिजन के लिए एज, लाइक या सो, ये तीनों वर्ड आना आवश्यक है, तब आपका जो उदाहरण होगा वह सिमिली में होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण में आप देखेंगे लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यहाँ पर देखिए लाइक शब्द आया है, और लाइफ और ड्रीम दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए लाइक शब्द आया है, इसलिए हमको यह मालूम हो गया कि यह हमारा सिमिली का एग्जांपल है। दूसरा है हिज वर्ड्स पायर्स लाइक एन एरो, पायर्स का मतलब होता है चुभना, यानी उसके शब्द एरो की तरह चुभते हैं। इसमें भी लाइक शब्द का प्रयोग आया है। इसके बाद हर लैंग्वेज इज स्वीट लाइक हनी, यानी इन तीनों में से एज लाइक सो कोई भी वर्ड आना चाहिए। और इसका ट्रिक हर फिगर ऑफ स्पीच का कोई ना कोई ट्रिक होता है, इसका जो ट्रिक है
लाइक आई सो, ये तीनों में से किसी एक वर्ड का आना आवश्यक है। और हम किसी सिमिली के उदाहरण को कैसे जानेंगे कि यह हमारा सिमिली का एग्जांपल है, इसके लिए सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होंगे अलग अलग होंगे। और दूसरा लाइक एट सो, ये सब कंपैरिजन के लिए आने चाहिए। और इसमें कम से कम एक गुण निश्चित रूप से कॉमन होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण है, ही इज एट जेंटिल एज हिज ब्रदर। इसमें भी देखिए एज का प्रयोग आया है, लेकिन यह सिमिली का उदाहरण नहीं होगा क्योंकि ही और ब्रदर ये दोनों डिफरेंट नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। और इनका जेंटिलनेस जो है वह कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन विरोधी नहीं है। ही और ब्रदर दोनों एक ही चीज है, इसलिए यह आपका सिमिली नहीं होगा। तो हमने जैसा कि बताया कि ऑब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट एक ही है, वह और भाई अलग नहीं है। और कंपैरिजन के लिए एज शब्द आया है तो यह तो फॉलो हो रहा है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्ट है वह अलग नहीं है। मेटाफर का एक परिभाषा है, इन मेटाफर द थिंग्स कंपेयर आर ट्रीटेड एज वन, यानी इसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है उसमें एक तरह का उसमें कंपेयर होता है, उसको एक ही चीज मान लिया जाता है एट द सेम, यानी उसको एक ही तरह से मान लिया जाता है एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन। और कंपैरिजन के लिए जो शब्द यूज होते हैं, जैसा कि हमने सिमिली में देखा एज लाइक सो, ये सब चीजें आपको नहीं मिलेगी, यानी इसमें दोनों चीजों को एक ही चीज मान लिया जाता है। और एज लाइक सो सिमिली वाले जो इसमें इसके लक्षण है यही पाए जाएंगे, यह एक प्रकार से छुपी हुई सिमिली होती है। जैसे उदाहरण में देखिए, लाइफ इज ए ड्रीम, इसके पहले हमने उदाहरण में यह देखा था लाइफ इज लाइक ए ड्रीम, यहाँ पर लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है, एकदम सीधा ड्रीम और लाइक कंपेयर कर दिया गया है, और कंपेयर के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। द कैमल इज द सिप ऑफ द डिजर्ट, यानी जो ऊंट होता है वह रेगिस्तान का जहाज होता है। अगर इसी में हम लाइक का प्रयोग कर देंगे तो यह सिमिली का एग्जाम्पल हो जाएगा। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, यहां पर भी जो बदला है या विरोध है उसको एक प्रकार से माना गया है, यहां पर ए वाइल्ड जंगली न्याय। इसमें भी अगर हम लाइक का प्रयोग कर देंगे तो यह भी हमारा सिमिली हो जाएगा, लेकिन इसमें लाइक सो एज इन सब का प्रयोग आपको नहीं मिलेगा, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का तुलना कर दिया जाता है, उसको एक ही चीज मान लिया जाता है। और इसका जो ट्रिक होता है, वैसे सबसे ज्यादा कठिन होता है मेटाफर, मेटाफर की जो परिभाषा होती है उसके अनुसार इसका जो एग्जाम्पल होता है उसमें सबसे कठिन होता है इसके फिगर ऑफ स्पीच को छांटना। इसमें एक्शन वर्ड एक्शन वर्ड आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, जैसे इज आर आई एम हैज
है, यानी जो वर्ब होंगे वह आपको निश्चित रूप से इसमें मिलेंगे। अब आप मेटाफर को सिमिली में और सिमिली को मेटाफर में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आपके पांच बचे हैं फिगर ऑफ स्पीच, इसको अगले क्लास में पूरा करेंगे। और आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने लोगों के ग्रुप में सेंड करिए और मैसेज कीजिए। और वीडियो को जब से आप पूरा नहीं देखेंगे तब से पूरा इसका थीम आपको नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको पूरा देखें और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। और कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, या कोई अगर आपको विशेष रूप से और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।